टी सीरीज, सोनी म्यूजिक इंडिया, जी म्यूजिक कंपनी, इंडिया की तीन सबसे बड़े म्यूजिक लेबल जिनके गाने टॉप नॉच होते हैं, जिनके म्यूजिक वीडियोस टॉप नॉच होते हैं, और एक इमर्जिंग आर्टिस्ट का सपना होता है कि फ्यूचर में वो अपने गाने इन म्यूजिक लेबल के थ्रू रिलीज कर सके। सो हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं कुछ रैप ट्रैक जो कि रिलीज हुए है टी सीरीज में, सोनी म्यूजिक इंडिया में और जी म्यूजिक कंपनी में। इस कंपाइलेशन में तुम हार्ड कोर हिप हॉप ट्रैक सुनने वाले हो, कमर्शियल ट्रैक सुनने वाले हो, और कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भी है जिनके गाने इन बड़े म्यूजिक लेबल से आए हैं। सो वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ही डिफरेंट कंपाइलेशन है, और वीडियो के एंड में हमें पता चलेगा कौन से म्यूजिक लेबल ने ज्यादा अच्छे हिप हॉप और रैप ट्रैक निकाले। सो कंपाइलेशन को लास्ट तक देखना, यू विल लर्न समथिंग एंड गेट एंटरटेन फॉर श्योर। कंपाइलेशन स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। बेटे ऐसे करो, बेटे वैसे करो, बेटे ये मत करो, बेटे वो मत करो, बेटे ऐसे जियो, बेटे ऐसे मरो, बेटे बारहवीं करो, बेटे कॉलेज करो, बेटा शादी करो, बेटे बच्चे करो, बेटा सोसाइटी को फॉलो करो, अपने सपनों को छोड़ के मुझे भी सिखा दो कैसे जीते हैं खुद से खुद को ही खोके, हर मोड़ पे मिले मुझे धोखे, हर मोड़ पे मिले। गाने का नाम है रैप अबाउट सोसाइटी, आर्टिस्ट है रैप वाला कभी, बहुत ही बढ़िया काम किया भाई ने, बहुत सही ट्रैक बनाया, ट्रैक में सच्चाई लिखी है, ऐसी बातें लिखी है जिसको सुन के तुम रिलेट कर पाओगे, तुम ऐसा लगा कि ये सारी बातें तुम्हारे लिए हो रही है, बहुत सही ट्रैक है। इस ट्रैक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक करना और भाई ये कमेंट में जाके ड्रॉप करना कि तुम्हें ट्रैक कैसा लगा, तुम्हें क्या पसंद आया इस ट्रैक में, भाई क्या इंप्रूव कर सकते हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो, भाई को मोटिवेट करो, भाई सपोर्ट डिजर्व करते हैं। चलो फिर अब ज्यादा लेट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द कंपाइलेशन एंड एंजॉय दिस वीडियो, लेट्स गो। रैप सॉन्ग दैट आर रिलीज फ्रॉम टी सीरीज, लेट्स गो भाई। मत्था खराब कभी कभी होता है, दिल साला छोटा कभी कभी होता है, आंखें हैं भरी उम्मीदों से आज भी। ओके, आर्टिस्ट है मिलन गाबा, गाने का नाम है मेरी बारी, और ये जो ट्रैक है ना, मिलन गाबा जो है वो अपने कमर्शियल ट्रैक के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मोस्टली मैं उन्हें अपने कंपाइलेशन में फीचर नहीं करता हूं, बट ही कैन डू हार्डकोर स्टफ, और इस ट्रैक में उन्होंने प्रूव किया है, ये ट्रैक बहुत ही क्रेजी है, और ये ट्रैक उन्होंने 2014 में लिखा था जब उनका पहला गाना आया था, और अब जाके रिलीज किया। तुम लोगों ने चेक नहीं किया ये ट्रैक तो जाके चेक करना, बहुत सही काम, और ये ट्रैक ड्रॉप हुआ था टी सीरीज से। शाउट आउट टू मिलन गाबा, लेट्स गो। पटांगे साली बड़ी बड़ी बैग उन भीड़ से भरे दंगलियों से, जहाँ पे पला बड़ा घुमा उन गलियों से, या रिश्तेदारों की गालियों से, या काम। ओके, गाने का नाम है शुरुआत, आर्टिस्ट का नाम है इक्का, और इक्का के लिए मैं क्या बोलूं यार, कमर्शियल ट्रैक हो हार्डकोर ट्रैक हो, दोनों में अपने भाई किल करते हैं, और ये ट्रैक बहुत ही बढ़िया ट्रैक है, बहुत ही क्रेजी ट्रैक है, इन हार्डकोर ट्रैक, और ये आया है टी सीरीज में, ठीक है। शाउट आउट टू इक्का, लेट्स गो। जिंदगी जब तेरी मारती पतंग को उतारती, बजाती है सितार की कहानी पे बारती। भाई 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 बहुत क्रेजी ट्रैक, और इसको मैंने कल या परसों के वीडियो में फीचर किया था जब मैं बॉलीवुड वर्सेस हिप हॉप बना रहा था, वो वीडियो जरूर चेक करना, अगर नहीं चेक किया तो बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा तुमको उस वीडियो से। इस ट्रैक का नाम है बदला, और ये बॉलीवुड मूवी का गाना है ब्लैकमेल, जो कि रिलीज हुआ था टी सीरीज में। अगेन अ क्रेजी ट्रैक, हार्डकोर ट्रैक, और बॉलीवुड में हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक देखना लाइक नॉर्मल नहीं है, बहुत कम आता है। सो शाउट आउट टू डिवाइन, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। बदले के भुलैया में जब पानी तेरी नैया में, शैतान भी दिखता सैया, आतीना अंत है उसका वो सब गाना, इनका उनका वही है माला, वही कोई तोड़ नहीं है, नाउ ही इज किलिंग द सीन, और हार्डकोर भी बहुत अच्छा बनाते हैं, एंड दिस ट्रैक इज फ्रॉम टी सीरीज, और बहुत बढ़िया ट्रैक, बहुत सही काम, लेट्स गो। गाने का नाम है ज़माना जाली, आर्टिस्ट है द लेजेंडरी बोहिमिया, एंड अगेन अ वेरी गुड ट्रैक फ्रॉम द बिग म्यूजिक लेबल टी सीरीज। सो बहुत अच्छा लगता है टी सीरीज जब रियल टैलेंट को पहचानती है और उनके ट्रैक अपनी म्यूजिक लेबल से रिलीज करती है, तो लेट्स गो। गाने का नाम है राज्य संधि और आर्टिस्ट है हनी सिंह, और ये भाई साइंड है टी सीरीज से, ठीक है। हनी सिंह इज द फेस ऑफ टी सीरीज, जैसे टी सीरीज में हनी सिंह साइंड है, सोनी म्यूजिक में बादशाह साइंड है, और रफ्तार एक टाइम पे जी म्यूजिक से साइंड थी, तो इंडिया के तीन बड़े रैपर एक टाइम पे तीनों बड़े म्यूजिक लेवल के फेस हुआ करते थे, ठीक है। ये तुम्हें बताता है रैपर्स कितने कैपेबल है, और रैपर्स की फैन फॉलोइंग और स्टारडम कितनी है। और हनी सिंह के बहुत सारे ट्रैक आए टी सीरीज से, लाइक उनका पूरा एल्बम देसी कलाकार टी सीरीज से आया था, ब्लू आईज, बहुत सारे गाने, तो मैं सब गाने को फीचर नहीं कर सकता हूं। मैंने ट्राई किया कि आर्टिस्ट कम से कम रिपीट हो और बाकी आर्टिस्ट को भी मौका मिले इस कंपाइलेशन में आने का। सो शाउट आउट टू द लेजेंड, यो यो हनी सिंह, लेट्स गो।
करो। I don't know तुम लोग ये expect कर रहे थे या नहीं, सिद्धू मूसे वाला Devil and this song is from T-Series, ठीक है? T-Series पंजाब नहीं, ठीक है? जो official T-Series का channel है ना, जिसके 200 million subs है, उस channel से आया ये गाना। So shout out to सिद्धू मूसे वाला, let's go। भाई ये गाना मेरे बचपन का वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक है भाई, मैंने ये इतना सुना है, बचपन नहीं बोल सकते यार, हाँ कॉलेज टाइम पे ये ट्रैक मैं बहुत ज्यादा सुनता था, और जब मैं आज कंपाइलेशन बना रहा था तो मुझे ये ट्रैक याद आया। एंड दिस इज बाय रैकस्टार हु इज अ रैपर, ठीक है, ही इज वेरी गुड आर्टिस्ट, एंड जैक नाइट अगेन अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, ठीक है, गाने का नाम है क्वीन और ये ट्रैक आया था टी सीरीज से, लेट्स गो। प्रधान एंड बोहिमिया टू ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, ठीक है, गाड़ी का नाम है गड्डी और ये आया है टी सीरीज पंजाब से, वेरी गुड ट्रैक, शाउट आउट टू बोथ प्रधान एंड बोहिमिया, लेट्स गो। ओके, गाने का नाम इसे कहते हैं हिप हॉप और आर्टिस्ट है लिल गोलू एंड हनी सिंह। मैंने लिल गोलू का नाम पहले इसलिए लिखा है क्योंकि हनी सिंह को मैंने पहले फीचर कर दिया था और मैं लिल गोलू को एक सेपरेट फीचर करना चाहता था, इसलिए मैंने लिल गोलू का नाम पहले लिखा है और लिल गोलू का पार्ट इसमें ऐड किया, ठीक है, वेरी गुड आर्टिस्ट। और जब लिल गोलू हनी सिंह के साथ काम करते थे भाई, उस समय जो ट्रैक आते थे यार, बैंगर हुआ करते थे, ठीक है। अगेन दिस ट्रैक इज फ्रॉम टी सीरीज, शाउट आउट टू टी सीरीज, शाउट आउट टू लिल गोलू एंड यो यो हनी सिंह द लेजेंड, लेट्स गो। वो गाना गानों में बजाया तब कहीं जाके मुझे थोड़ा सा मजा आया। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर रैप सॉन्ग दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम सोनी म्यूजिक इंडिया। अब देखते हैं सोनी म्यूजिक ने हमें क्या गाने दिए, लेट्स गो। लौंडे सुन के बता देते हैं बोतल रखी जा भी हो, रोड नहीं बची जो तेरे भाई नहीं नहीं ना पी हो। Artist 47 featuring बादशाह, गाने का नाम है बहुत तेज। This track is a banger, तुम लोगों ने लूप पे सुना होगा, बहुत crazy काम, बहुत बढ़िया track और ये track release हुआ था Sony Music से, ठीक है? Let's go। Size अपना large है, t-shirt medium, क्योंकि dry से हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का return, अभी लेके अपने लिए। ओके, आर्टिस्ट है डीनो जेम्स, गाने का नाम है विशलिस्ट और आई थिंक डीनो जेम्स है वो साइंड है सोनी म्यूजिक इंडिया से, उनके बहुत सारे ट्रैक सोनी म्यूजिक इंडिया से रिलीज होते हैं, ठीक है। सो अगेन लाइक बहुत सही काम किया सोनी म्यूजिक इंडिया ने कि डीनो जेम्स को साइन कर लिया या फिर वो उनके ट्रैक रिलीज करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बहुत डिफरेंट आर्टिस्ट है एंड दिस सॉन्ग अगेन अ वेरी गुड सॉन्ग, लेट्स गो। This tune karunga main tang sabhi Raja Kumari, I go harder than anybody, God of the King American Dream, phir bhi dil mein Hindustan। गाने का नाम है सिटी स्लम्स, आर्टिस्ट है राजा कुमारी और इसमें डिवाइन का भी फीचर है एंड अगेन वन ऑफ द बेस्ट फीमेल एमसीज ऑफ आवर कंट्री राजा कुमारी, लेट्स गो। एंड दिस सॉन्ग केम फ्रॉम सोनी म्यूजिक इंडिया। आर्टिस्ट है आसिम रियाज, गाने का नाम है बैक टू स्टार्ट और इन्होंने रिसेंटली लाइक रैप करना स्टार्ट किया है, ये बोहिमिया को बहुत ज्यादा सुनते थे, फॉरेन रैपर्स को बहुत ज्यादा सुनते थे, पर ये पहले रैप नहीं कर रहे, लाइक अभी इन्होंने स्टार्ट किया है एंड ही इज इंप्रूविंग, लाइक डे बाय डे ही इज इंप्रूविंग। और जितने अभी नए यूट्यूबर है जो क्रिंज ट्रैक बना रहे हैं उनसे ये बहुत अच्छा ट्रैक बनाते हैं, ठीक है। सो शाउट आउट टू आसिम रियाज, लेट्स गो मेरे भाई। दूर चले आ ते लो की मेरे साथ पहले केंदे सिरे जो तेरे सबसे खास है वही जहरीले सांप है अधूरे निकले प्यार जब तेरी मां है तेरे पास में। गाने का नाम है फर्क और आर्टिस्ट है डिवाइन, दिस गाय नीड नो इंट्रोडक्शन, दिस सॉन्ग केम फ्रॉम सोनी म्यूजिक इंडिया, सो दिस ट्रैक इज रियली गुड, शाउट आउट टू डिवाइन, लेट्स गो। आता सवेरा जब झेलेगा तू ये काली रातें मारी है किता का ये ठे पुत माइदा। आर्टिस्ट है सिद्धू मूसे वाला, गाने का नाम है बी टाउन एंड दिस ट्रैक इज वन ऑफ द हिट ट्रैक फ्रॉम सोनी म्यूजिक इंडिया। सो सिद्धू मूसे वाला का ट्रैक टी सीरीज से भी आया है, सोनी म्यूजिक इंडिया से भी आया है, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। मेरी जान की दुश्मन एवरी टाइम, दिस गाय इज द फेस ऑफ सोनी म्यूजिक इंडिया भाई, बादशाह, बैड बॉय एक्स बैड गर्ल, कितने सारे गाने दिए, कितने सारे हिट ट्रैक दिए, आई थिंक सोनी म्यूजिक इंडिया के पास भी इनकी हिट ट्रैक की लिस्ट नहीं होगी, लाइक लिख नहीं पा रहे होंगे वो, इनकी रिफिल खत्म हो जा रही होगी। कुछ भी सो वेरी गुड ट्रैक एंड वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल आर्टिस्ट इन इंडिया राइट नाउ, बादशाह, गाने का नाम है बैड बॉय बैड गर्ल, ठीक है, लेट्स गो। बातें करता।
रागा एंड रेस गाने का नाम है कैंडी सी। तो आर्टिस्तान के गाने हैं वो सोनी म्यूजिक से आते हैं। आर्टिस्तान और सोनी म्यूजिक का कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, वो लोग ने आपस में साइन कर रखा है, ठीक है। तो आर्टिस्तान के बहुत सारे गाने तुम्हें सोनी म्यूजिक इंडिया से रिलीज होते हुए दिख जाएंगे। एंड टॉकिंग अबाउट दिस ट्रैक, बहुत सही गाना भाई। एंड रिस जो है ना, अगर रिस को प्रॉपरली यूज करती है आर्टिस्तान फ्यूचर में और गाने निकालती है रिस के साथ, और दिस गाई इज वेरी गुड भाई, लाइक दिस गाई हैज मैड पोटेंशियल, ठीक है। और रागा के बारे में मैं क्या ही बोलूं यार, वन ऑफ द बेस्ट रैपर ऑफ आवर कंट्री। सो गाने का नाम है कैंडी सी, लेट्स गो। लाज डर दुखी तेरी दुनिया, जिया नहीं चाहता मुझसे और इस तड़पन में करता हूं इंतजार, करना चाहता हूं एक रात तुझे। ओके, गाने का नाम है इंतजार, आर्टिस्ट है द मूनलाइट फीचरिंग एका, एंड एका अभी किसी लेबल से साइंड नहीं है और ये इस समय भी सोनी म्यूजिक से साइंड नहीं थे। आई थिंक सोलो ट्रैक के लिए इनकी डील हुई होगी, बट ये ट्रैक सोनी म्यूजिक इंडिया से आया था। सो लेट्स गो। तेरे शहर में मेरी बेबी घर पे वेट करा क्यों तेरे पीछे हंडू और तेरे। ओके, आर्टिस्ट है रफ्तार और ये बहुत रीसेंट ट्रैक आया है घना कसोटा। सो जितने भी रफ्तार के फैन हैं उनको पता है इस ट्रैक के बारे में, बताने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल एंड अगेन आई एम नॉट श्योर रफ्तार साइंड है सोनी म्यूजिक इंडिया से नहीं, आई थिंक ये सिर्फ सिंगल सॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा सोनी म्यूजिक इंडिया से। फ्यूचर में और ट्रैक आते हैं रफ्तार से, देन वी विल नो क्या सीन है, क्योंकि रफ्तार का अपना म्यूजिक लेबल है, वो वहां से भी म्यूजिक रिलीज करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दिस ट्रैक इज रियली गुड, वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल ट्रैक ऑफ 2021, ये आया था सोनी म्यूजिक इंडिया से, लेट्स गो। पीछे फिर रे जाने कितने आंडू पांडू। ओके, रैप सॉन्ग दैट आर रिलीज फ्रॉम जी म्यूजिक कंपनी, ठीक है, और इसमें तुमको अभी बहुत सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट मिलने वाले हैं, लेट्स गो। तुझे याद है क्या बोला करते थे मेरे बारे में सारे जब तक कामयाब में, अब बनना चाहते मेरे यार देते मुझे प्यार लेके। ओके, आर्टिस्ट है कृष्णा और रफ्तार, गाने का नाम है आई एम रेडी। तो जैसे आर्टिस्तान और सोनी म्यूजिक इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट था, वैसे ही पहले एके प्रोजेक्ट्स जो कि अब कलमकार है और जी म्यूजिक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था। तो एके प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे गाने जी म्यूजिक कंपनी से आए हैं, कृष्णा के गाने आए हैं, रफ्तार तो साइंड ही थे जी म्यूजिक कंपनी से, और भी आर्टिस्ट इस कंपाइलेशन में आएंगे, उनके गाने भी आए हैं। अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो यहाँ से कृष्णा और रफ्तार की जो अनऑफिशियल डुओ है उसकी शुरुआत हुई थी, और इसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री भाई, क्या ही बोलूं मैं, तुम्हें पता है सब, लेट्स गो। आर्टिस्ट का नाम है पैरी जी, गाने का नाम है प्यार क्या शब्द है, और तुम्हें पैरी जी के बारे में नहीं पता है तो ये इंडियाज गॉट टैलेंट में आए थे और उस समय वो इंडिया के सबसे फास्टेस्ट रैपर थे, और ये जो ट्रैक है इसमें बहुत कम व्यूज है, लाइक 167K व्यूज है सिर्फ। आई डोंट नो, लाइक जो रैप ट्रैक होती है, रैप सॉन्ग होती है, या फिर जो सोलो कॉन्ट्रैक्ट जी म्यूजिक साइन करती है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साथ, उसे प्रॉपरली प्रमोट नहीं करती। और ये सिर्फ जी म्यूजिक के साथ नहीं है, मैंने ये चीज सोनी म्यूजिक के साथ भी देखी है, लाइक जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के प्रोजेक्ट होते हैं, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के ट्रैक होते हैं, उसमें व्यूज बहुत कम होते हैं, सो उन्हें प्रॉपरली प्रमोट नहीं किया जाता, या फिर क्या सीन है। आई थिंक इस पर एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बन सकता है, तो फ्यूचर में कभी बनाऊंगा। सो आर्टिस्ट से पहली जी, गाने का नाम है प्यार क्या शब्द है, बहुत क्रेजी ट्रैक, बहुत क्रेजी आर्टिस्ट, लेट्स गो। चल रही है सांसें एक अक्षर को अक्सर हम सब डसकर सांप की तरह कहते, वो तो बातें बीती। ओके, आर्टिस्ट है वाइड, गाने का नाम है गाई फ्रॉम द हिल, और ये ट्रैक जो है वाइड का एमटीबी हसल में आने से पहले का ट्रैक है, एमटीबी हसल में आने से पहले उनका ट्रैक जी म्यूजिक कंपनी से रिलीज हो गया था, ठीक है। सो शाउट आउट टू वाइड, लेट्स गो। ते भीती जिनमें हम यूं रहते पर ये लव सुन लोगों के लिए जो गिर के नहीं रुकते, फिर पंखा हूं जमीन पे हूं खुले मन का हूं, जिन लोगों ने पीने से मुझको है रोका उन लोगों पे। मुझे पता नहीं है कितने लोगों को पता था या नहीं पता था, एमिवे का एक ट्रैक जो है वो लेबल से आया है, इस ट्रैक का नाम है पैग पैग पैग, जो कि एमिवे और मैन म्यूजिक का गाना था, और ये जो ट्रैक था वो एमिवे रफ्तार के बीफ के बाद आया था, ठीक है, बीफ के पहले ये ट्रैक बन गया था, बीफ के बाद ये ट्रैक रिलीज हुआ था। सो शाउट आउट टू एमिवे, ठीक है, गाने का नाम है पैग पैग पैग, लेट्स गो। कर्मा सूत्र आर्टिस्ट है, कर्मा जैसे मैंने बोला था एके प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट था जी म्यूजिक कंपनी के साथ, तो तुम्हें एके प्रोजेक्ट्स या कलमकार जो भी बोल लो उनके ट्रैक्स दिखेंगे जी म्यूजिक कंपनी में, ठीक है, लेट्स गो। और काफी तमीज में कहती कमी, दीवाना बन मेरा तुझे धड़पाए, रात में हम धीरे धीरे घर आए सब। आर्टिस्ट है हरजस, गाने का नाम है दीवानापन, अगेन बहुत डिफरेंट आर्टिस्ट और बहुत वाइबी ट्रैक होती है इनकी, इनकी आवाज बहुत क्रेजी है, सो शाउट आउट टू हरजस, लेट्स गो। करता हूं मेरी यही पंच तत्व मेरा फ्लो ये जैकेट जेल करते हैं, चुगली मेरे बारे खुद घुल मिल करते हैं, चलने वाले चलते हम। ओके, गाने का नाम है दिल्ली वाली बातचीत, आर्टिस्ट है रफ्तार, वन ऑफ द बेस्ट रैपर ऑफ आवर कंट्री, और एक टाइम पे ये जी म्यूजिक के फेस थे, ठीक है, और अगेन अ क्रेजी ट्रैक, वेरी नाइस ट्रैक, ठीक है, लेट्स गो। दिल करते हैं क्योंकि जलने वाले भी तो मेरा दिल भरते हैं, उठ जा अपनी राख से दूर, उठ जा अपना लाश में, परवाज़ एक परवाने की अब अभी सर उठाएगा।
तो जो मूवी आई थी गली बॉय उसके सारे ट्रैक जो थे वो जी म्यूजिक से आए थे, तो मैंने सिर्फ एक ट्रैक फीचर किया, मैं सारे ट्रैक नहीं फीचर कर सकता था क्योंकि ये वीडियो नहीं फिर डॉक्यूमेंट्री बन जाती है एक दो घंटे की, ठीक है। सो इस गाने का नाम है अपना टाइम आएगा, आर्टिस्ट है डिवाइन, लाइक डिवाइन ने लिखा है, कंपोज किया है, गाना जो गाया रणवीर सिंह ने गाया है, ठीक है। अगेन वेरी नाइस ट्रैक, वेरी गुड ट्रैक, लेट्स गो। आएगा अपना टाइम आएगा मेरे जैसे क्या मैंने बोला था गली बॉय के एक ही ट्रैक फीचर करूंगा, पर मैंने एक और ट्रैक फीचर कर दिया क्योंकि ये ट्रैक में सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, ठीक है। तो तुम लोगों ने ये ट्रैक चेक नहीं किया ना, इंडिया 91 गली बॉय का ट्रैक है, जाओ चेक करो, और इसमें तुम्हें मोस्टली सारे मुंबई के आर्टिस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, और उनको सुनना, उनके ट्रैक सुनना, उन्हें सपोर्ट करना, ठीक है। जो जितने मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट मैंने इस वीडियो में कवर किया है वो तो नंबर लेके आती है, उन्हें सब जानते हैं, सो हमें सपोर्ट करना है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को, सो ये ट्रैक जाकर चेक करना। Brothers, let's go, गाने का नाम है इंडिया 91, चलो। Okay, so this was it. This was comparison between T-Series, Sony Music India and Z Music Company. अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया, कुछ सीखने को मिला, do let me know in the comment. अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है, कोई सजेशन है, कमेंट में ड्रॉप कर दो। अगर तुम चैनल पे नए आए हो या पहले से भी देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या, हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, तुम वहां मुझसे बात कर सकते हो वॉइस चैट पे, और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी जादू में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।